हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो पे यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि आपने जब सर्च किया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत में जितने भी स्टेट्स हुआ करते थे उनको हमने कैसे रीऑर्गेनाइज किया। ठीक, सो यू नो दिस डेट, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था और पूरे देश में लागू हो गया था। यानी आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति जो है, राज्यों की स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो हमारे स्टेट्स थे, जैसे आज हमें 28 स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं, उस समय हमारे स्टेट्स चार भागों में डिवाइड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब आपको मालूम है इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे। तो पार्ट ए में वो सारे स्टेट्स आते थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, और पार्ट बी में वो स्टेट्स आया करते थे जहाँ पे राजा और रजवाड़े रूल किया करते थे, राजा महाराजा लोग। और पार्ट सी में कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, पार्ट सी वाले कमिश्नर प्रोविंस। और पार्ट डी मैं एकमात्र स्टेट आता था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो ऐसे स्टेट्स जो पार्ट ए के अंतर्गत आते थे और वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, दे वर डायरेक्ट अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। सो ऐसे 9 राज्य थे, 9। पार्ट बी जो कि राजा रजवाड़े यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे रॉयल पावर्स रूल किया करती थी, ऐसे भी 9 थे। ठीक, पार्ट सी में 10 आया करते थे जहाँ पे कमिश्नर ही हुआ करती थी, और पार्ट डी में 1। तो आप अगर इसका टोटल एस्टिमेट करोगे 29 स्टेट्स पहले भी हुआ करते थे, 29 स्टेट्स अभी जम्मू कश्मीर के टूटने से पहले भी हुआ करते थे। ठीक, ये वाली सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे पास 29 स्टेट्स थे, बट थोड़ा सा डिफरेंस था कि अभी जो है सारे के सारे यूनियन के अंदर आते हैं, लेकिन उस समय अलग अलग चीज़ थी। पार्ट ए में कुछ और था, पार्ट बी में कुछ और था, पार्ट सी और पार्ट डी, चार टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे। सो दोज स्टेट्स विच आर डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनके नाम मैं आपको बताऊं तो वन ऑन वन यहाँ पे लिखेंगे। पहला असम, नॉर्थ ईस्ट वाला, असम के जस्ट और इधर को आओगे आप वेस्टर्न तरफ को तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के और इधर को आप आओगे तो बिहार, बिहार के बगल में आपको देखने के लिए यूपी मिलता है। ठीक है, और यूपी के नीचे एमपी। ठीक है, और एकदम वेस्ट में देखोगे आपको पंजाब। तो ये आप एक एक करके काउंट भी करते रहना। ठीक, पंजाब के बाद जो है इधर वेस्ट बंगाल के और बिहार के नीचे एक स्टेट पड़ता है उड़ीसा। 7 हो गए, 8वां और 9वां क्या था, बॉम्बे, बॉम्बे, यस बॉम्बे। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बॉम्बे। ठीक है, यानी कि इधर वेस्ट में बॉम्बे, इधर आपको देखने के लिए मिलता था बंगाल और नीचे मद्रास। तो जो 9वां जो राज्य था जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सो इट वॉज मद्रास। तो ये जो 9 के 9 स्टेट्स आपने देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आप एकदम सीरीज देखेंगे ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जैसे आएंगे आप तो आपको असम देखने के लिए मिलेगा। हर बार की तरह मैप का यूज़ करते हुए हम आपको लोकेशन दिखाते हैं। असम उस समय का बहुत बड़ा हुआ करता था, ये सारा का सारा सिक्किम वगैरह ये सारा पार्ट असम में हुआ करता था। ठीक है, असम इधर वाला जो पूरा पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, बिहार बंगाल, बिहार बंगाल और ये उड़ीसा, ये 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 4। फिर इधर आप देखेंगे यूपी, 5। ठीक है, इधर वाला जो पोर्शन है ये पंजाब हरियाणा, ये पंजाब में आया करता था, 6। और नीचे जो आपको पता ही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है, ये 1 ही हुआ करता था, 7। और 2 एक ये बॉम्बे वाला पोर्शन, ठीक है, इधर बॉम्बे और इधर नीचे मद्रास वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो गए 9 के 9 स्टेट्स और लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की नहीं ज़रूरत है, आपको यहाँ से शुरू करना है, ऐसे लाइन बनानी है, यहाँ पर आपको असम, फिर बिहार, बिहार के नीचे बंगाल, उड़ीसा, 4 ये हो गए,
फिर यूपी, मध्य प्रदेश 5-6, इधर पंजाब 7, ठीक है, और इधर बॉम्बे और 8, और ये 9वां मद्रास। ओके, पार्ट बी में भी 9 स्टेट्स आया करते थे और ये थे प्रिंसली स्टेट्स, और ये 9 स्टेट्स थे, यानी कि यहाँ पे जो रूल हुआ करता था वो प्रिंसेस यानी कि राजा रजवाड़े वगैरह करते थे, इसलिए प्रिंसेस स्टेट्स है। और यहाँ पे जो है सोवेनिटी थी ब्रिटिशर्स की, करते थे इंडियंस, लेकिन यहाँ पे जो है फाइनल डिसीजन किसका रहता था, ब्रिटिशर्स का, ये वाली बात है। और ये 9 राज्यों का नाम मैं आपको बताऊँ, जम्मू कश्मीर तो आपको सबको पता कि ये राजा हरिचंद्र का था, तो ये तो सबसे पहला नाम आपको आपके माइंड में यहाँ पे सेट होना चाहिए, JNK, ठीक है। नीचे हैदराबाद वाला पोर्शन, ठीक, और हैदराबाद के बाद अगर मैं और बात करूँ तो राजस्थान में भी आपको पता है ना, महाराणा प्रताप सिंह इनकी ये भूमि है, तो यहाँ पे भी राजा रजवाड़ा वाले रहते थे। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो मिक्स पोर्शन है उसे बोलते हैं सौराष्ट्र, बोला जाता था, आज तो अस्तित्व में है नहीं। और 1, 2, 3, 4 मैसूर, हैदराबाद वाले से थोड़ा सा नीचे है ना, आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन, हैदराबाद तो आजकल तेलंगाना में है, ठीक है, सो मैसूर वाला जो पोर्शन है, टीपू सुल्तान वगैरह है ना, आप समझ सकते हैं नाम से ही आपको मालूम है भाई राजा थे यहाँ पे रूल क्या करते थे, तो ये सारे स्टेट्स जितने आ जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स में, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें आता था विंध्य प्रदेश, अब आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा पेप्सो, ठीक है, पेप्सो एक राज्य हुआ करता था, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, इसका मैं यहाँ पे चलो नीचे मैं नाम मेंशन करता हूँ, पेप्सो स्टैंड्स फॉर पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस का एक यूनियन था, इसे पेप्सो बुलाया जाता था। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 2 और थे, एक तो हो गया आपका सेंट्रल इंडिया, ये स्टेट हुआ करता था, और केरला वाले रीजन में एक है त्रावणकोर, ठीक है, कोचिंग ये प्रिंसली स्टेट था। ओके, 9 और 9, ये भी 9 ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो टोटल हो गया 18। अब बचे पार्ट सी में 10 स्टेट्स हुआ करते थे, उन 10 स्टेट्स का नाम यहाँ पे कमिश्नरीज हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि कमिश्नर हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के बैठते थे, ओवरऑल था पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया, कहीं ना कहीं आपको ब्रिटिशर्स की सोवनिटी देखने के लिए मिल ही रही थी किसी ना किसी फॉर्म में। तो भाई ये तो हो गए विच वर डायरेक्ट इन अंडर ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिश जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, ये हो गए प्रिंसली स्टेट्स और ये हो गए कमिश्नरी स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें जो राज्य आते हैं अजमेर, बाकी कूच बिहार, कुछ बिहार बोलते हैं इसको, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कुर्ग, बिलासपुर, मणिपुर, त्रिपुरा मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है मालूम है ना, कच्छ, दिल्ली, 10 हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और था मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, तो ये उस समय के स्टेट्स हुआ करते थे। आज आपको पता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो है, किसी ना किसी के अंदर ही आता है, ठीक है, जैसे भोपाल जो कि आपको दिख रहा है पहले पार्ट ए में, मध्य प्रदेश की आज की राजधानी है, लेकिन उस समय ये दोनों अलग अलग सेपरेट स्टेट हुआ करते थे। पार्ट डी में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक स्टेट आया करता था, वो था
यहीं पे मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो ये ऐसे ऐसे हमारे हो गए 29 स्टेट्स ओवरऑल। उस समय 1950 पे, अब इन 29 स्टेट्स में कहीं ना कहीं राज्य में किस देश के किसी पार्ट में लिंग्विस्टिक बेसिक यानी कि भाषाई आधार पे हमारे राज्यों का विभाजन करो इसकी समस्या उभरने लगी। यानी कि बहुत सारे लोग तेलुगु भाषी हुआ करते थे, बहुत सारे आंध्रा बोलते थे, बहुत सारे मलयालम बोलते थे, तो ये लोग बोलने लगे कि भाई जितने भी तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनको आप जो है उनका एक राज्य निर्धारित कर दो, जितने मलयालम बोलते हैं उनके लिए एक राज्य निर्धारित कर दो। तो ये सारी डिमांड देश के विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट रीजन से उठने लगी। कोई बोलता हम पंजाबी बोलते हैं हमारे लिए पंजाब बना दो, कोई बोलता हम कुमाऊनी बोलते हैं हमारे लिए कुमाऊ बना दो, ठीक है ऐसे आप समझ सकते हैं। और उस समय अगर लोगों की बात मान ली जाती और ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी कि भाषाई आधार पे देश का विभाजन कर दिया जाता, ठीक है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता, तो ये अभी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वो इसलिए हो जाती क्योंकि हम इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, ठीक है कोई कुमाऊनी भी बोल लेता है, कोई पंजाबी भी बोल लेता है, कोई उर्दू भी जानता है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हमारे साथ पे रहते हैं। तो हम सारे जो हैं सारे के सारे एक सेकुलर स्टेट ना होके एक अलग अलग जो है हिस्सा बन जाते हैं। और अभी फ्यूचर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही होती है, यानी कि अभी प्रेजेंट में 2022 ये चल रहा है और उस समय के बनाए हुए स्टेट, तो उस समय काफ़ी सही डिसीजन लिया गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया नहीं जाएगा। और ये आइडिया नेगलेक्ट करने के बाद भी लोगों में काफ़ी मतलब वो था, रोष था, दे वॉज एंग्री, अलग अलग जगह से फिर भी डिमांड उठ रही थी। सो इतनी चीज़ आपने जान ली। और हमारे टॉपिक का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। तो 1948 का टाइम था, यानी कि ये सारी की सारी स्थिति आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो हमने अपना जो टॉपिक है इसका नाम याद रखना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। साल था 1948 का, जब इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी कंट्री में, तो भाई कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो लेना था। और इस समस्या से निजात पाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। और आज चल रहा है जून, ये जून है 3-4 तारीख है, और ये भी जो जून में ही बना था जून 1948, ये जून 2022, यानी कि करीबन 74 ईयर्स हो जाते हैं आज इस कमेटी को गठन हुए। अगर होती तो ये सिर्फ वन टाइम कमेटी थी, इसका काम था बस ये कमेटी बने और इस जो प्रॉब्लम है लिंग्विस्टिक बेसिस पर देश को रीऑर्गेनाइज करना, इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए कमेटी बनी थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। और एस के धर जो है इस कमेटी के चेयरमैन थे, आप ये समझ लीजिए इस कमेटी को सुपरवाइज कौन कर रहे थे, एस के धर। अब क्योंकि एस के धर इस कमेटी को सुपरवाइज कर रहे थे, तो इसलिए इस कमेटी को धार कमेटी या धार कमीशन के नाम से भी जानते हैं, किसको, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी को। जून 1948 में कमेटी बनी और दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना जो है सर्वे करके अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर ली कि भाई किस हद तक सही है कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे देश का विभाजन करें। और इस कमेटी ने जो कि एस के धार के नेतृत्व में बनी थी और ये इसको सुपरसीड कर रहे थे, सो इनका ये फैसला था इस कमेटी का यानी कि धार कमेटी का या धार कमीशन का ये फैसला था कि भाई जो है डिवीजन तो होना चाहिए लेकिन वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना होके अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, क्योंकि नया नया देश है और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम जो है देश का विभाजन कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, अच्छे से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेदर ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस वी कैन रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देयरफॉर दिस कमिटी रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब लोग फिर से नाराज हो गए, लोगों की सुनी नहीं गई, लोग चाहते थे कि भाई भाषाई आधार पे हमारे देश का विभाजन हो, जो हिंदी भाषा वाला हो वो एक क्षेत्र में रहे, जो तेलुगु भाषा बोलता है वो एक क्षेत्र में रहे। ऐसा अगर होता तो बेड़ा गर्द हो जाता, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हो सकता था। अब
लोग डिसअपॉइंट हुए, उस समय कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी हमारे देश में, आज विलुप्त हो गई है, किसी किसी राज्य में है, बट अगर पूरे नेशन वाइड की बात करें तो ये जो है विलुप्त हो ही गई है। सो कांग्रेस ने फिर से एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी का गठन किया, ये इन द सेम टाइम दिसंबर 1948 में, ओके पहला किया था जून 1948 में, जिसकी रिपोर्ट आई दिसंबर 1948 में, जब ये खारिज हो गया, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना होके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ज़्यादा अगर डिवीज़न हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर कांग्रेस ने एक और कमेटी का गठन किया, और कमेटी का सेम नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर ये लोग चेक करना चाह रहे थे कि किस हद तक सही है इंडिया को जो है फिर से रिओर्गेनाइज करना। जगह थी, लोकेशन जयपुर, जयपुर में दिसंबर 1948 में इनकी कॉन्फ्रेंस होनी थी, इनका जो है दिसंबर सबमिट होने वाला था, तो उसी में जो है उस मीटिंग का जो मेन मुद्दा था कि जो अपना इंडियन स्टेट्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी जो है सारे के सारे इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित थे, जयपुर कॉन्फ्रेंस में, जो कि दिसंबर 1948 में हुआ था, और चर्चा का विषय था देश का विभाजन भाषाई आधार पर। अब इस कमीशन के तीन मेंबर हुआ करते थे, एक तो हमारे नेहरू जी, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल ना नाम इनका, वल्लभ भाई था, ओके, और तीसरे जो इस लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी के मेंबर थे वो थे पटावी सीतारमन, ठीक है, ये तीन मेंबर थे। अब आपको क्या करना है, जवाहर का जेल आपको लेना है, वल्लभ का बी लेना है, और पटवी सीतारमन का पी लेना है, तो ये हो जाएगा जे बी पी। तो जैसे पहले वाला जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बना था, जिसको एस के धार की देखरेख में जो बनी थी, तो इसलिए इसका नाम धार कमीशन पड़ा, तो आप नीचे वाला आप कमीशन बता सकते हैं इसका नाम क्या पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो तीन लोग यहाँ पे लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पत्तवी लवी सीतारमन, ठीक है, तो इस कमीशन का इन तीनों के नाम पे नाम पड़ जाएगा जे बी पी कमेटी। दिसंबर 1948 में बनी ये कमेटी, अपना रिजल्ट जो है 6 महीने के अंतराल में, यानी कि अप्रैल 1948 में, चार महीने में, अप्रैल 1949 में अपना जो है ये भी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, काफी सोचते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, ये भी सारे फैक्टर्स देखते हैं, और क्या इनका नतीजा निकलता है, इनका नतीजा वही निकलता है जो कि धार कमेटी, यानी कि जो धार कमीशन ने अपना नतीजा यहाँ पे दिया था कि भाई अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर विभाजन कर दें देश का, तो काफ़ी दिक्कत और काफ़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, और हमारे हमें ही नहीं, हमारे आगे वाले आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो है इन्होंने रिकमेंड कर दिया कि भाई जो धार कमीशन का जो उनकी सेइंग्स थी, उसी पे हम लोग भी जो है हम लोग का भी वही कहना है। सो दिस जेबीपी कमेटी रिकमेंडेड। धार कमेटी का इस चीज में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, पटवी सीतारमन बोलते हैं, पल्लवी सीतारमन बोलते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, आप लोग समझ गए हैं। इन्होंने इसको थोड़ा मोर एलोबरेट कर दिया, इन्होंने कहा लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे सिक्योरिटी, जिससे सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा बनी रहे देश में, हमें ऐसा विभाजन करना है, हमको यूनिटी यानी कि एकता भी बनी रहे, भाई कोई राज्य हमारे देश से अलग ना हो जाए, है ना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जिससे देश में समृद्धि भी बनी रहे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये तीन फैक्टर्स को देखते हुए हम जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इन्होंने अपना ये रिकमेंडेशन दिया उस समय की जो कांग्रेस पार्टी, उस समय की जो गवर्नमेंट थी बेसिकली कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने इनका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया,
लेकिन फिर भी देश में से जो आवाज थी ना वो कि भाषाई आधार पे हमारा विभाजन करो, वो कम हो ही नहीं रही थी। और खासकर जो साउथ वाला पोर्शन है, आंध्रा और तेलंगाना वाला, आज आपको जो दिखता है ना, उस वहां से जो है कंटिन्यूसली जो है देवर अपोजिंग ऑल दिस ऑर्डर्स, यानी कि जो उस समय मद्रास जो था, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, यहाँ के लोग मान ही नहीं रहते। मद्रास में उस समय जो है 16 तेलुगु डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो ये जो है अपना सेपरेट स्टेट मांग रहे थे यहाँ के लोग कि भाई हमारा जो है सेपरेट स्टेट हमें दो, ओके, यानी कि यहाँ के लोग हमें बोलने लगे कि हमें जो है मद्रास से अलग कर दो, हमें एक स्टेट दो आंध्र प्रदेश, ओके। तेलुगु भाषा यहाँ पे ज्यादा बोली जाती थी, और जितने भी यहाँ के लोग थे ना, ये 16 के 16 तेलुगु राजे, इनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो एक लीडर होते हैं ना हर किसी के लिए जो उनकी आवाज उठाते हैं, तो इनके भी एक लीडर हुआ करते थे। उन लीडर का नाम था पट्टी श्री रमुल्ला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है आमरण अनशन पर बैठ गए, जैसे अन्ना हजारे बैठे थे, तो इन्होंने ये भी इन्होंने स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक कर दी। और इन्होंने जो हंगर स्ट्राइक की थी वो करीबन 56 दिनों के लिए, यानी कि करीबन पूरे के पूरे 2 महीनों के लिए इन्होंने कर दिया हंगर स्ट्राइक। अब इस हंगर स्ट्राइक के तहत हुआ क्या, इनकी बात तो सुनी नहीं गई, लेकिन एज अ रिजल्ट हुआ ये कि इनकी हो गई डेथ, ठीक है। इनकी डेथ हो गई, तो जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो काफ़ी मास में, मतलब एक ज़्यादा अमाउंट में एग्रीटेशन होने लगता है, ठीक है। लोग अपनी आवाज़ उठाने लगते हैं, लोग खुद उठ के आने लगते हैं कि भाई ये हो गया और तुमने हमारी बात नहीं सुनी, ये वो। अब भाई गवर्नमेंट दबाव में थी, नया देश आज़ाद हुआ था, तो यार अगर लोगों की नहीं सुनेंगे, लोग से ही बैर रखेंगे, तो ये तो दिस इज़ नॉट गुड। तो पहली जो इनको सुननी पड़ी कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमारा डिवीज़न हो, तो वो उस बेसिस पे डिवीज़न हुआ भी 1 अक्टूबर को 1953 को लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर पहला स्टेट बना, जैसे मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश सेपरेट हुआ था मद्रास से, ठीक है। मद्रास में उस समय करीबन 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ तेलुगु बोली जाती थी, तो वहां से सेपरेट होके आंध्र प्रदेश बन गया। 1 अक्टूबर 1953 को लिंग्विस्टिक आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो इतना सब कुछ होने के बाद 1953 में जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये गठन होता है इसका 1953 में, ठीक है। कहानी पर हम आ गए हैं वापस 1953 में। अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन जाता है, ठीक है। कमीशन का काम वही होता है कि अपनी जो है एक सर्वे टाइप का करे और अपनी रिपोर्ट जो है तत्कालीन जो भी गवर्नमेंट है उनको सब जाके सबमिट कर दे। जैसे ही आंध्र प्रदेश को सेपरेट किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो अब डिमांड होने लग गई चारों तरफ कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर दिया, हम भी तो है, हमारे वहाँ भी तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, हमें भी सेपरेट करो, है ना, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है, हर जगह। क्या लिख रहा हूँ मैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी का गठन हो गया भाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ओके। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी है 1953 में। इससे पहले कि आपने दो कमिटी वगैरह देखी थी, लिंग्विस्टिक बेसिस कमिटी वगैरह, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी जिसे हमने नाम दिया था, पहली धार कमेटी थी और दूसरी पंडित नेहरू थे उसमें शामिल, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उस समय पटवी सीतारमन थे, ठीक है। तो नाम इसका पड़ गया JPP, पहली वाली का था धार कमेटी, ये थी JBP कमेटी। अब ये वाली जो तीसरी, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन रही है क्योंकि समस्या दिक्कत ज़्यादा बढ़ने लगी। एक हमने ऑलरेडी लिंग्विस्टिक आधार पर एक राज्य ऑलरेडी बना दिया है, तो अब दूसरी जगह भी डिमांड उठने लगी कि भाई ये तो जो है पार्शलिटी है, हमें भी सेपरेट करो। इसकी जिम्मेदारी इस बार दी गई कि भाई इस चीज़ को रिजॉल्व करो। फजल अली
और KM पन्नीकर, HM कुंजरू। तो ये तीनों के तीनों जो है मेंबर्स थे इस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। ओके, 1953 में ये ऑर्गेनाइज हुई थी कमीशन, कमिट हुई थी, ठीक है, 1953 में बनी थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और 1955 में आते आते करीबन करीबन डेढ़ दो साल बाद, यानी कि सितंबर 1955, ठीक है, तब जाके इसने अपना रिपोर्ट सबमिट की। ओके, सबमिटेड रिपोर्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके मेंबर्स थे फजल अली, KM पानीकर, HM कुंजरू। इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया सितंबर 1955 में। अब इन्होंने सारे फैक्टर्स देखे, इनका ये कहना था कि लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को रिऑर्गेनाइज तो किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं है, और भी हमें और चीज़ भी देखनी पड़ेंगी। और अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर देश का विभाजन करते हैं तो फिर से सही नहीं होगा। चलो वो चीज़ जो हमने अंडर प्रेशर आके कर दिया था, लेकिन अब ये ज़्यादा चीज़ जो है सही नहीं है। तो सिर्फ लिंग्विस्टिक ग्राउंड एक बेसिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया वन नेशन, यानी कि एक राष्ट्र और एक भाषा, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन लैंग्वेज या वन स्टेट वन लैंग्वेज वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको यहाँ पे क्लियरली एलिमिनेट कर दिया गया। यानी कि अब फ्यूचर में जितनी भी डिमांड उठेंगी भाषा के आधार पर कि भाई किसी पर्टिकुलर राज्य में एक ही भाषा के रहने वाले लोग होंगे, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे चार ग्राउंड ज्यादा दिए गए। पहला था कि भाई देश की एकता बनी रहे और सुरक्षा भी बने रहे, लेकिन अगर हम लैंग्वेज बेसिस पे किसी राज्य का डिवीजन कर देते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश वाला ही देख लीजिए, ठीक है, ये नीचे आंध्र प्रदेश, ऊपर तेलंगाना, अगर हमने इसको आपस में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे आंध्रा लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाएगी, यहाँ पे जो है सारे के सारे लोग तेलुगु वाले होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी जो है ये कभी भी आपस में लड़ सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेके, ठीक है, और यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेशन वाला जो ग्राउंड है ये तो मस्ट है ही है। और साथ ही साथ में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो भी उस जगह की बनी रहनी चाहिए, यानी कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी भी होनी चाहिए। और तीसरा फैक्टर, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली भी रिच होना चाहिए, कुछ ऐसा हम डिवीजन करें। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब हम वेलफेयर स्कीम्स लेके आएंगे पब्लिक के लिए। तो ये चार फैक्टर इन्होंने बताए। ओके, कि जिससे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ रहें, उनके बीच में यूनिटी बनी रहे, ठीक है, और एक देश को कोई अलग ना करे, वे सिक्योरिटी थ्रीट तो वहाँ पर हो ही ना किसी भी तरीके से। अब इस कमीशन ने, यानी कि फजल अली कमीशन, क्योंकि फजल अली इसके मेंबर थे, तो इस कमीशन को बोला जाता था फजल अली कमीशन भी बोला जाता था। तो इस फजल अली कमीशन ने जो फोर फोल्ड था ना डिवीजन का, सोसाइटी के डिवीजन का जो फोर फोल्ड स्ट्रक्चर था, फोर फोल्ड वाला मतलब समझ रहे हैं, ए बी सी डी में जो बांटा गया था अभी तक देश को, इसको भी इन्होंने बोला कि इसको भी एलिमिनेट कर दो भाई। और ये यहाँ पे जो 9, 9, 10 और 1, यानी कि 29 स्टेट्स हैं, इसको हटा के हम क्या करेंगे कि भाई हम 16 स्टेट्स बनाएंगे। इन्होंने काफ़ी बारीक स्टडी की, यानी कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनी थी फैजल अली, KM पन्नीकर और HM कुंजरू के नेतृत्व में, इन्होंने काफ़ी जो है डिटेल केस स्टडी की। और सारा जो है केस स्टडी करने के बाद अपनी जो पॉइंट्स उन्होंने दिए, इन्होंने बोला कि हम जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे तो बिल्कुल भी डिवीज़न नहीं कर सकते, और तो इन्होंने वन नेशन वन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। दूसरी चीज़ इन्होंने बोले कि ये चार फैक्टर्स तो होने चाहिए, अगर हम किसी भी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो ये चार चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकली रिच भी होना चाहिए, एंड वेलफेयर स्कीम फॉर पब्लिक वील ऑल्सो इनिशिएट दिस स्कीम, ठीक। तो और फिर तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो फोर फोल्ड सोसाइटी है, फोर फोल्ड डिवीज़न था सोसाइटी का, ए बी सी डी, यानी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ब्रिटिशर्स वाले लोग जो थे यहाँ पे रूल कर रहे थे, बी वाले में प्रिंसली स्टेट्स वाले लोग रूल कर रहे थे, सी में जो है
इट वॉज डायरेक्ट अंडर कमिश्नरी, और डी वाला जो है इट वॉज अ यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब यूनियन टेरिटरी ना होके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उस समय स्टेट था, तो इन्होंने बोला कि भाई 16 तो स्टेट्स बना दो और एक बना दो यूटी, एक नहीं तीन बना दो यूटी, ठीक है 16 स्टेट्स और 3 यूटीज बना देते हैं। अब जैसे ही इस कमीशन ने ये सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा ऐसा कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी जो है इस चीज़ को संज्ञान में लिया और फिर 1956 में, ठीक है जैसे कि एक्ट बनता है ना, पहले बिल पास होता है दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर उस प्रेसिडेंट के पास चला जाता है उसके असेंट के लिए, तो वैसे सेम सेंस में इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया। ओके अब अभी तक तो बातें सिर्फ हवाओं में चल रही थी कि हम ऐसा करेंगे, अब जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने लग गया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जैसे ही पास हुआ तो इंडिया भाई दो चीजों में बट गया था, पहला स्टेट में और दूसरा यूटी में, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 29 स्टेट्स थे, वो भी ABCD फॉर्म में, यानी कि फोर फोल्ड था सोसाइटी का, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। सो नवंबर 1956 में जैसे ही ये एक्ट पास हो गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ओके, तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में टोटल हमको इंडिया के स्टेट्स दिखने लगे, इंडिया की सोसाइटी दिखने लगी, यानी कि इंडिया का विभाजन हो गया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में। बात कही गई थी 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को, फिर थोड़ा सा और विचार विमर्श वगैरह किया और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फाइनली स्टार्टिंग में, यानी कि 1956 में पहली नवंबर को डिवाइड हो गया इंडिया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में। तो वो 14 स्टेट्स कौन से थे जो 1956 के बाद बने, यानी कि उनका डिवीजन हुआ, एक तो ऑलरेडी आपको मालूम है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बन गया आंध्रा, दूसरा स्टेट था असम जो ऑलरेडी था ही, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि रीऑर्गेनाइज करना, क्या चीज नई है, क्या चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो चीज फिर से रहेगी, असम बिहार ये सब तो पहले से भी थे, बॉम्बे है ना, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, थोड़ा सा अल्टरनेशन तो जरूर हुआ था बाउंड्रीज के कंटेक्स्ट में, बाकी आपको देखने के लिए यही मिलेगा कि पंजाब जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा छीन लिया गया है, उन्हें भारत में विलय करा दिया गया, और ये काम किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अब कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, अंग्रेज चले गए थे, प्रिंसली स्टेट्स का जमाना गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और क्या है, वेस्ट बंगाल, तो ये हो गए 13 राज्य। एक और था गाइस JNK जम्मू एंड कश्मीर, और जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, पहली तो आपको मालूम है अंडमान एंड निकोबार, दूसरी दिल्ली के सेंटर था ना,
तीसरी यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के दर्जे में डाल दिया गया। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज हिमाचल प्रदेश आपको स्टेट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश कभी यूनियन टेरिटरी का दर्जा हुआ करता था तो फिर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मणिपुर भी आज एक स्टेट है लेकिन पहले ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था इसको। त्रिपुरा भी एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। बेसिकली यूनियन टेरिटरी वो वाला पोर्शन होता है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और फिर 1, 2, 3, 4, 5 लक्षद्वीप आपको मालूम है, अमीन देवी प्लस लक्कादेव प्लस मिनीकॉय। ठीक है, इन तीनों को मिला के लक्षद्वीप है। ये हो गए 6 यूनियन टेरिटरीज और ये हो गए 14 स्टेट जो उस समय प्रिवेलेंट हुआ करते थे 1956 के बाद। ठीक है, 1953 में सबसे पहला स्टेट जो आज का मॉडर्न फॉर्म है आंध्र प्रदेश वो बन गया था 1953 में। यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेपरेट होने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब एकदम से नहीं कर सकते थे ना पूरे देश का विभाजन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, धीरे धीरे करके होते हैं। उस समय तो नया इंडिया बना ही था, अगर एकदम से कर देते तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती। उस समय ना ही हमारे पास आर्म फोर्सेस इतनी तगड़ी थी, ना ही हमारे पास सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी, तो हर एक चीज को हर कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के हमने ये डिवीजन करना था। तो 1956 में आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो था वो बनाया गया और बाकी ये साथ में ये भी थे। ठीक है, 15 राज्य ये थे और 6 यूनियन टेरिटरीज ये थी। हिमाचल प्रदेश जिसमें यूनियन टेरिटरी में आता था, मणिपुर त्रिपुरा ये यूनियन टेरिटरी में आते थे, बाकी अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप तो आज भी यूनियन टेरिटरी में है ही। अब देखते हैं 1956 के बाद जिन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब 16 राज्य थे, अब 16 से बढ़ते बढ़ते कैसे 28-29 में पहुंचे ये चीज आप देखना। सो ये सारे के सारे तो 1956 तक है। 1960 में बॉम्बे वाला जो प्रोविंस है, कहाँ गया बॉम्बे, ये इसको उठाया और इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। ओके, नॉर्दर्न वाला पोर्शन जो था बॉम्बे का उसको गुजरात बोला जाने लगा और जो सदर्न पोर्शन था उसको महाराष्ट्र बोला जाने लगा। ठीक है, अब राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 थे उनमें से एक राज्य को उठाया दो में बांट दिया तो अब हो गए 17। हाँ, पर मैं साइड में लिख भी लेता हूँ कि 17 स्टेट्स, भाई 1960 तक 17 स्टेट हो गए, सॉरी 14 स्टेट्स थे ना, तो 14 स्टेट में से एक स्टेट को इन्होंने उठाया और दो में डिवाइड कर दिया तो अब जो है टोटल 15 स्टेट्स हो जाएंगे। तो ये ऐसा पूछा जाता है कि गुजरात कौन सा स्टेट था, ठीक है, और महाराष्ट्र कौन सा स्टेट बना, तो 14 में से बॉम्बे वाले प्रोविंस को उठाया तो इन दोनों को डिवीजन कर दिया तो ये हो गया 14th स्टेट और ये हो गया 15th स्टेट। ठीक, क्या यार, 1963 में नागालैंड बन गया, नागालैंड हो गया भारत का 16वां राज्य। ठीक, 1963 के बाद नागालैंड बना था असम से सेपरेट होकर, गुजरात महाराष्ट्र थे, बॉम्बे की जगह आ गए गुजरात और महाराष्ट्र, असम तो ऑलरेडी था ही तो असम से सेपरेट होकर बन गया नागालैंड, एक असम भी रहा एक बन गया नागालैंड 1963 में और नागालैंड बन गया भारत का 16वां राज्य। तो यहाँ की अपनी अलग कहानी है नॉर्थ ईस्ट की, नागास जो लोग हैं इनके बीच में भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, असम से इन्होंने सेपरेट हो गए लेकिन इनका डायरेक्ट कंट्रोल जो दिया गया वो असम के गवर्नर को ही दिया गया। ठीक, फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, 3 साल बाद 1966 में फॉर्मेशन हो गया। अब धीरे धीरे देखना, जो स्टार्टिंग में ये लोग बोल रहे थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा डिवीजन कर दो, अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो रहा था लेकिन धीरे धीरे करके। ठीक है, डिमांड तो थी क्योंकि हर चीज होती है लेकिन विद द पेस ऑफ टाइम, समय के साथ साथ सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। पंजाब से अलग हो गए 1966 में, एक बना हरियाणा। ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बन गई चंडीगढ़, जो आज हम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी देखते हैं ये बनी थी
1966 में पंजाब से सेपरेट होकर बनी। ठीक है, पंजाब तो अपने आप में राज्य है ही, लेकिन इससे सेपरेट होकर बन गया एक स्टेट हरियाणा, और हरियाणा बन गया भारत का 17वां राज्य। और जो 6 यूनियन टेरिटरी थी अभी तक, एक और यूनियन टेरिटरी ऐड हो गई, चंडीगढ़। ओके, ये सारा का सारा जो है सीरियल सीरीज जो है आप देखना, ठीक। और ये जो सारा का सारा कार्य हो रहा था ना, 1956 से शुरू हुआ, ठीक है, और 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। इसी एक्ट के थ्रू ये अमेंडमेंट वगैरह शुरू हो गए। तो ये जो है ईयर भी पूछते हैं, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, अब साल आया 1971 का, इसमें आप देखना, ये भी पंजाब के अंदर ही आता था ये राज्य जिसकी मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था इसको, और ये है हिमाचल प्रदेश। तो 1971 में यूनियन टेरिटरी के स्टेटस छोड़कर इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया, यानी कि इसको एक राज्य का दर्जा मिल गया 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश जो है हमारा हो जाएगा 18वां राज्य भारत का। ठीक है, सारी की सारी सीरीज इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना, ये वो लाभ लाभ लाभ। तो 1978 में हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे फेरबदल भी देखना, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश हट गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी 1971 तक हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ठीक है, 1971 से पहले 8 यूनियन टेरिटरीज थी, इस चीज़ का खासा ख्याल रखना। फिर 2 साल बाद 1973 में यूनियन टेरिटरी सभी कितनी है, 1971 में 7 हो गई हैं, 8 से घट के। अब देखना और घट जाएंगी, 1973 में जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा, ये यूनियन टेरिटरी से हट के अब स्टेट में बदल गई। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी और आप घटा दीजिए तो कितनी हो गई, 5 यूनियन टेरिटरी बच गई। कौन से ईयर तक, 1973 तक। सो 1973 में मणिपुर, त्रिपुरा 2 स्टेट और बन गए भाई। ठीक है, तो 19वां और 20वां, मणिपुर हो गया 19th, त्रिपुरा हो गया 20th स्टेट। अब सेम इन द सेम ईयर 1973 में ये जो असम वाला प्रोविंस था बड़ा सा, जिसमें नागालैंड ऑलरेडी 1963 में सेपरेट हो गया था, ठीक 10 साल बाद इसी असम में से, असम का जो आपका सदर्न पोर्शन है ना, जैसे ये असम था बड़ा सा, नागालैंड तो इधर सेपरेट हो गया 1963 में, अब इधर जो साउथ वाला जो पोर्शन है मेघालय, ये 1973 में ये भी सेपरेट हो गया। ठीक है, तो 1973 में एक और स्टेट बना, मेघालय। ठीक है, और ये 21वां राज्य बना भारत का। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो जो असम के पार्ट थे मेघालय और नागालैंड, ठीक है, ये असम में, असम के अंदर ही आया करते थे पहले, तो मेघालय एंड नागालैंड वर पार्ट ऑफ असम प्रीवियसली। इतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है। तो अभी अपने इंडिया पे 21 स्टेट्स हो चुके हैं, मेघालय 21वां राज्य था। सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम के बारे में आपने सोचा, सिक्किम में भी जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया था ये। ठीक है, अब सिक्किम ना तो भारत का पार्ट था, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट प्लेस था, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो। ठीक, सिक्किम एक अलग देश होता आज, है ना, नेपाल के अंदर से, मतलब नेपाल के अंदर तो नहीं आना चाहता था, ना ही इंडिया के संग आना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, मतलब यहाँ का जो राजा था, ठीक है, वो नहीं, वो चाहता था कि भाई हम जो है, या हो सकता था ये तिब्बत का अभी पार्ट होता सिक्किम, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक प्रोसेस होती है, प्लेबिसाइट, यानी कि जनमत, यानी कि लोगों का क्या कहना है, भाई तुम क्या कहते हो, तुम इंडिया के पोर्शन में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, अगर आना चाहते हो तो हाँ बोलो, अगर नहीं आना चाहते हो तो ना बोलो। 1974 तक सिक्किम जो है एक एसोसिएट
स्टेट था भारत का, नॉट फुल फ्लेज, ओके, पार्शियली आप कह सकते हो कि भाई यहाँ के लोग आना चाहते थे, इसलिए जो है यहाँ पे इंडिया सपोर्ट कर रहा था सिक्किम को। 1975 में पूरी तरीके से इसको अपने अंदर विलय कर लिया गया, यानी कि इसको मिला लिया गया। सिक्किम बिकम फुल फ्लेज स्टेट, अब इसे एक स्टेट का दर्जा दिया जाने लगा। तो आपको अभी तक हमने बताया था कि मेघालय जो है 21वां राज्य बना, तो अब आप बता सकते हैं कि सिक्किम कौन सा राज्य बना होगा। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, ये बात क्लियर है। और ये जो हुआ था ना 1975 में, एक इसके लिए भी एक अल्टरनेशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज किया गया था, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इनकी कहानी शुरू हुई थी। 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी कि जो डिस्प्यूटेड लैंड होते हैं ना वहाँ के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ता है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 36वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1975, इसके जरिए सिक्किम को शामिल कर लिया गया भारत में, और भारत बन गया, सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। और सिक्किम को स्टेट बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, ऐसे ही नहीं ये सिक्किम जो है भारत का स्टेट बन गया। आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और 10th शेड्यूल, ये पूरी की जो 10वीं सूची थी, अनुसूची थी, इसमें प्रोविजंस दिए गए थे सिक्किम के लिए, ठीक है। लेकिन अफसोस कि इसको 2A को और 10th शेड्यूल को दोनों को ही रिपील कर दिया गया बाद में, यानी कि इनको हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से जो कुछ भी डाला इंसर्ट किया गया था। और साथ में पहला और जो चौथी शेड्यूल है उसमें भी अमेंडमेंट हुए, ठीक है, हटे नहीं, अमेंडमेंट हुए, और जो 10th शेड्यूल था वो तो रिपील ही हो गया। तो कभी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलकर देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको एक आर्टिकल दिखेगा 371F, ठीक है, ये जो है ये भी इंसर्ट किया गया था इस 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1975 में, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। और बाकी मैंने आपको बता दिया 2A जो कि इंसर्ट किया गया था, और 10th शेड्यूल जो कि इंसर्ट की गई थी, इनको तो रिपील कर दिया गया। सो, आपको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सिक्किम में छोग्याल, नामग्याल ऐसे करके यहाँ पे राजा हुआ करते थे, राजशाही थी मतलब बेसिकली। तो यहाँ के लोगों ने बोला कि भाई हमको इन राजाओं के अंडर तो नहीं रहना। 1975 में प्लेबिसाइट हुआ, रेफरेंडम हुआ, ठीक है, तो उसके तहत जो है फिर ये फुल जो है डिसीजन लिया गया, और इसीलिए 1975 में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ये जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1975 में, इसमें कौन कौन से आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 371F बाद में इंसर्ट किया गया, ठीक है, 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया, और जो फर्स्ट और जो फोर्थ शेड्यूल थे इनको अमेंड किया गया, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है 371F, इसमें प्रोविजंस दे रखे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा सिक्किम पर, ठीक है, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो थी मेरे प्यारे दोस्तों सिक्किम की बनने की कहानी, ठीक है, और सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। 1987 में 3 स्टेट्स और इसमें ऐड हो गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987, ध्यान रखना है, सिक्किम के बाद मिजोरम 23वां राज्य बन गया भारत का, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25th स्टेट। और फिर आपको पता है साल आता है 2000, यानी कि 2013 साल बाद 1987 के, तो इसको आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एज माई प्रायर ड्यूटी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इन तीनों को ही बनाया गया था 2000 में
अब कौन किससे सेपरेट हुआ था वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कितने बार, एक बार और बताते हैं, उत्तराखंड हुआ था यूपी से सेपरेट, छत्तीसगढ़ हुआ था एमपी से सेपरेट, झारखंड हुआ था बिहार से सेपरेट, ठीक। और ये तीनों के तीनों ही जो स्टेट बने हैं नवंबर के महीने में बने, नवंबर 2000 में, डेट का फर्क है, पहली नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बन जाता है उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो 25वां राज्य गोवा, 26वां जो है छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड। फिर डेट है 2014, स्पेसिफिक डेट बताऊं तो 2 जून, आज है 4 जून, यानी कि 2 दिन पहले ही, और 8 साल पहले करीबन तेलंगाना बन गया, ठीक है, तेलंगाना का क्रिएशन हो गया, आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गया, सबको मालूम है। और ये बना भारत का 29th स्टेट, ठीक। लेकिन 2019 में, अब देखिए, अब मैं आपको करंट स्टेटस बताऊं कि कितने, हमने ये सब देख लिया तो आपको कुछ कुछ नाम जो है अभी तक सुनने के लिए मिले ही नहीं होंगे ना, जैसे तमिलनाडु है। सो ये भी आप समझ जाएंगे, तो चेंजेस नेम यानी नामों में जो चेंज हुआ है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेट था जिसका नाम चेंज हुआ 1950 में, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड प्रोविंस, और मध्य प्रदेश को पहले बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस, तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। 1950 में ये नेम चेंज होके यूपी हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ईयर में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम यूपी पड़ा, तो ईयर था 1950। फिर जैसे 1969, इसमें जो मद्रास था, मद्रास का नाम चेंज कर दिया गया और इसको कहलाया जाने लगा तमिलनाडु, ओके। 4 साल बाद जो मैसूर स्टेट था, मैसूर को भी चेंज करके कर्नाटक कर दिया। और इसी 1973 में जो यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बताई थी, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनदीवी, इसको चेंज करके, मतलब बोला जाने लगा, जो आज हम लक्षद्वीप बोलते हैं ना, पहले ये हुआ करता था आइलैंड ऑफ लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी, अब ये सिंपली एक बोल लीजिए लक्षद्वीप। 1992 में एक बदलाव आया दिल्ली के नेम में, दिल्ली को पहले एक यूनियन टेरिटरी थी तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नाम से जानते थे, फिर 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ना होके कहलाया जाने लगा एनसीटी, ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और स्पेसिफिकली अगर इस डेट की बात करूं तो 1 फरवरी 1992 से बोला जाने लगा, जो सिर्फ दिल्ली हुआ करता था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको बोला जाने लगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हुआ था वो था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है। ये अमेंडमेंट हुआ था 1991, ठीक है, और नाम चेंज हुआ 1 फरवरी 1992, यानी कि इफेक्ट आया 1992 में। अब आपको मालूम है कि 2000 में उत्तराखंड तो बन गया था, चुप, लेकिन उत्तराखंड ना बन के इस समय इसे बोला जाता था उत्तरांचल, उत्तराखंड तो हम आज जानते हैं ना, उत्तरांचल बना था। तो कभी कभार एक्ट भी पूछ ले जाते, तो 2006 में एक एक्ट आया, नाम था उत्तरांचल अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 2006, और नाम जो है उत्तरांचल का चेंज हो गया, जो अभी प्रेजेंट में हम जानते हैं उत्तराखंड, ठीक है। एंड इन द सेम ईयर 2006 में ही पौंडीचेरी,
ठीक है, पोंडीचेरी बुलाया जाता था पहले इसे, बट अब इसको पुडुचेरी बुलाया जाता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी 2006 में, और 2011 में उड़ीसा, ठीक है, ORISSA उड़ीसा को बुलाया जाने लगा, उड़ीसा ODISHA, ओके। तो ये सारी आपने चीजें देखी, ठीक है, तेलंगाना तक आपने देख लिया। तो अभी प्रेजेंट पे आपको मालूम है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है, तो वो आपको नाम तो मालूम होगा, बट अगर फिर भी कंफ्यूज हैं, नहीं मालूम है, तो आपके लिए मैं हूं, आई एम देयर फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको ये जो है पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। और अगर आ गया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपके समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।